जयन सुवंदे मातरम। जहाँ एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि भाई बेशरम रंग गाना जो था पठान का, उसको लेकर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए थी और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसको लेकर इतनी ज़्यादा बातें हुई, सभी कुछ प्लेन सीधा सिंपल सा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ज़्यादा फालतू में इतना ज़्यादा घसीटा गया, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप अभी भी उस गाने को लेकर सामने आ रहे हैं ना, वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि यार कॉपी पेस्ट वाला जो एक मैंटेलिटी है ना, वो अभी तक गई नहीं। अब पाकिस्तान के एक सिंगर ने अपने ही एक गाने की धुन चुराए जाने का यहाँ पर आरोप लगाया है। ये बात तो हम खुद ही जानते हैं कि बेशरम रंग गाने को सुनने के बाद एहसास हुआ था हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गाना जो था सभी को याद आया था। लेकिन यहाँ पर इस सिंगर ने तो अपने ही एक गाने को गुनगुना के बताया है कि भैया देख लो, ये तो पूरा का पूरा मेरा ही गाना उठाया हुआ। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग को लेकर विवाद इस समय भी जारी है। दीपिका पादुकोण के बेशरम रंग में भगवा बिकनी पहनने और गाने के दृश्यों को लेकर देश में काफी विरोध हुआ, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म मेकर्स को इसमें बदलाव का निर्देश दिया है। वहीं अब पाकिस्तान के सिंगर सज्जाद अली ने पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग पर निशाना साधा है। उन्होंने इशारों इशारों में आरोप लगाया कि बेशरम रंग गाना चोरी करके बनाया गया है। उनके मुताबिक बेशरम रंग उनके 26 साल पुराने गाने अब के हम बिछड़े से मिलता जुलता है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इस मामले में बताया, साथ ही कैप्शन में लिखा है कि फिल्म का एक नया गाना सुनने के बाद मुझे अपने 26 साल पुराने रिलीज गाने अब के हम बिछड़े की याद दिला दी, एंजॉय करें। दरअसल इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में पाकिस्तानी सिंगर ने कहा कि मैं यूट्यूब पर कुछ पुरानी फिल्मों का म्यूजिक सुन रहा था, तभी मुझे अपना एक 25-26 साल पुराना गाना याद आ गया, अब के हम बिछड़े तो कभी हम ख्वाबों में मिले। इसके बाद सिंगर ने अपने फैंस को पूरे गाने को गाकर सुनाया। पाकिस्तानी सिंगर सज्जाद अली का गाना सुनने के बाद उनके फैंस ने शाहरुख खान और उनकी फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक ने लिखा कि गाने बेशरम रंग सज्जाद अली के म्यूजिक कंपोजिशन पर आधारित है, भारत के लोग पाकिस्तानी गाने चुराते हैं और उन्हें क्रेडिट भी नहीं देते। वहीं दूसरे ने लिखा कि ये तो बेशरम रंग जैसा ही लग रहा है। शमी नाम की यूजर ने लिखा कि ये महान शहनशाह गजल मेहंदी हसन साहब की गजल है। तनवीर अहमद ने लिखा कि पठान मूवी में बेशरम रंग, लेकिन आप ग्रेट हो सर। इससे पहले सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने दावा किया था कि इस गाने का म्यूजिक माकेबा के गाने से चोरी किया गया है। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर माकेबा के मेकर्स के गाने को चुराने का आरोप लगाते हुए बेशरम रंग और माकेबा दोनों गानों के क्लिप्स को शेयर किया था। गौरतलब है कि केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड CBFC के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने 29 दिसंबर 2022 को शाहरुख खान की फिल्म पठान के निर्माताओं को फिल्म में गाने सहित कई सारे बड़े बदलाव करने के निर्देश दिए थे। CBFC का उद्देश्य रचनात्मकता और दर्शकों की भावनाओं के बीच एक बैलेंस को बनाना है और उसी के अनुसार विवाद का समाधान खोजना भी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति और आस्था गौरवशाली, जटिल और सूक्ष्म है, हमें सावधान रहना होगा। इसे किसी ऐसे किस्से कहानी के जरिए परिभाषित ना किया जाए जो सच और वास्तविकता से ध्यान भटकाए। जोशी ने आगे कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि क्रिएटर्स और दर्शकों के बीच में विश्वास को बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्रिएटर्स को इसी दिशा में काम करना चाहिए। बता दें कि निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तानी सिंगर के इस तरह के आरोपों के बाद में ऑब्वियस सी बात है, बॉलीवुड की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो कम होगी। जहां एक तरफ लोग अक्सर ये बातें करते रहते हैं कि नहीं, बॉलीवुड को हमें सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन इस प्रकार की चोरी की बातें निकलकर सामने आती है तो फिर मन में यही आता है कि इनको आखिर कोई कैसे ही सीरियसली ले सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनिए फिलहाल, नहीं जय हिंद जय भारत।